I've experienced it, I know. Okay, next question. इस साल बिग बॉस खेलेंगे तो क्या सलमान खान विल ऑल्सो प्ले अ गेम? मैं तो ये गेम खेलते आ ही रहा हूँ और सही तरीके से गेम खेलता हूँ. पहले जब बिग बॉस स्टार्टिंग में शुरू हुआ था तो लोग एक अपना रियल गेम खेलते थे, जो कि रियल पर्सनालिटी थी वो आके शेयर करते थे. फिर लोगों ने ये गेम देखना शुरू किया और फिर उनको ऐसा लगा कि ये गेम उनके समझ में आ गया है और उन्होंने एक प्रिटेंशियस गेम खेलना शुरू किया, फॉल्स गेम खेलना शुरू किया. उनको ऐसा लगता है कि हमको दिखाई नहीं देता लेकिन हमको सब दिखाई देता है. और फिर जब वो चीजें उनके ऊपर उल्टी पड़ती हैं तो फिर वो बिग बॉस और कलर्स को ब्लेम करते हैं. तो ये हमारा जो एक सिस्टम है ये शो का, बिग बॉस का, इज टू बी नॉट पार्शियल एट ऑल, टू बी फेयर एंड टू सी दैट कोई हद पार नहीं करे. और हमको हम ट्राई करते हैं कि जितने रियल पर्सनालिटीज हम लेके आ सकें इस गेम के अंदर, वो इस घर के अंदर, वो हम कोशिश करते हैं. जो एक पहले के सीजन्स के अंदर आपने देखे होंगे कि फर्स्ट से ही यू नो एक अलग ही पर्सनैलिटी दिखती थी. अब दे कम इन विद अ नोशन, अ प्रीसेट माइंडसेट एंड देन उनका फिर वो चेंज होते जाता है एक डेढ़ महीने के बाद, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटीज निकल के आती ही है सामने. बिल्कुल,